सो गाइस, कभी ना कभी हम सब लोगों ने टीडीएम तो खेला ही होगा, 1v1, चाहे वो चैलेंज के लिए हमने खेला हो या फिर हमने फ्रेंडली मैच खेला हो, लेकिन हमारा एम वहाँ पे यही होता है कि हम लोग टीडीएम जीत जाएं। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आप टीडीएम में यूज कर सकते हो, और पर्सनली मैं उन टिप्स को यूज करता हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और साथ साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब करने से ही आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे ही मैच हमारा स्टार्ट होता है या फिर आप मर के वापस से स्पॉन करते हो, तो सबसे पहले हम जाते हैं आगे सामने की तरफ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमें कभी भी इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के नहीं जाना चाहिए, इन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के नहीं जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, सामने वाला बंदा कहीं पे भी कैंप कर रहा हो सकता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड या फिर सेंटर में कहीं पे भी वो होल्ड कर रहा हो सकता है, चाहे आपको वो पोजीशन भी दे देगा, लेकिन आप जब जंप करोगे एक साइड से नीचे की तरफ, देन आपने उसी साइड जाना। जैसे आपने लेफ्ट साइड जंप कर दिया तो आप लेफ्ट साइड ही जाओगे, जंप करके लेफ्ट साइड ही गिरोगे नीचे, आप अपनी मूवमेंट को चेंज नहीं कर पाओगे, जिससे होगा क्या, आपको किसी भी साइड से वो मार देगा और आपकी मूवमेंट भी एक जगह पे स्टक हो जाएगी। और एक जगह पे मूवमेंट हो रही है तो आपको पता है कि कितना ज्यादा इजी हो जाता है ट्रेस करना। और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका फ्रेंड भी आपको कंटेनर के ऊपर मार देता है या फिर नहीं मारता है कैंप करके। सो गाइस, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो जो हमारे राइट साइड के एंगल्स होते हैं, आपने उनको मास्टर करके रखना। बिकॉज क्या होता है, हमारा कैरेक्टर जो है गेम के अंदर वो राइट हैंडेड होता है, और जो हमें राइट साइड का एंगल होता है ना, उधर से अगर कोई बंदा आएगा तो हमें जल्दी स्पॉट होगा, और आपके सामने से जब कोई राइट साइड से आएगा ना, तो आप उसको अपने लेफ्ट साइड में दिखोगे, जिससे होगा क्या, वो आपको जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएगा और आप उसको जल्दी स्पॉट कर लोगे। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा राइट साइड पे खेलना चाहिए, और इन जगहों को अगर आप मास्टर कर लोगे, देन आप इजीली फ्री फायर में उस बंदे को मार सकते हो, बिकॉज वो आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप उसको आराम से मार सकते हो, बस आपने अपने क्रॉस एयर को हेड के ऊपर रखना है। एंड गाइस, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पे क्या होता है, काफी सारे प्लेयर्स की ये गलती होती है कि वो एकदम दीवार के साथ चिपक के या फिर कंटेनर के साथ चिपक के फाइट्स लेते हैं, जिसकी वजह से होता है कि उनकी सारी बुलेट जो होती है दीवार पे या फिर कवर के साथ ही जाके लगती है और सामने वाले बंदे को नहीं लगती है। तो आपने हमेशा अपने जो मूवमेंट के लिए एरिया बना के रखना है थोड़ा, जिससे होगा कि आपकी बुलेट सामने वाले बंदे पे इजीली टारगेट आप कर पाओगे, आपकी बुलेट जो है वो मिस नहीं होंगी, और सामने वाले के लिए आपको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाएगा। बिकॉज आप थोड़ा सा कवर से पीछे खेल रहे हो तो आपको मूवमेंट करने के लिए काफी ज्यादा वाइड एरिया मिल जाएगा, और आप इजीली अच्छी मूवमेंट करके सामने वाले बंदे को मार सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, आपकी हेल्थ कम हो जाती है, सामने वाला बंदा एक ही हेडशॉट कनेक्ट कर देता है या फिर आपको लो कर देता है, तो यहां पे क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको कभी कभी बैक ऑफ करना पड़ता है, पीछे की तरफ भागना पड़ता है। तो यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे ही आप लो हो गए हो तो आपको हमेशा गन छोड़ के भागना और कवर के साथ साथ से भागना। बिकॉज क्या होगा, जब आप वॉल्स के साथ साथ कंटेनर के साथ साथ भागोगे ना, तो आपको जो भागने का एरिया है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट वगैरह करके भागोगे तो आपको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा कवर में जाने के लिए। तो आपको हमेशा गन छोड़ के भागना है, बिकॉज जब हमारे हाथ में गन नहीं होती तो हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा फास्ट होती है, तो आपको हमेशा बैक ऑफ करना भी आना चाहिए अच्छे टाइम पे। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, देन आप कभी भी 1v1 फाइट को हारने नहीं वाले हो। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी प्रेडिक्शन और आपकी क्रॉस एयर प्लेसमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस, देखो क्या क्रॉस एयर प्लेसमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपको अगर राइट साइड पे आप जा रहे हो, आपको पता है कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि राइट साइड से यहां से बंदा निकल सकता है, बिकॉज आने के एक यही रास्ता है या फिर दो रास्ते हैं, तो आपने एम इसी तरह से शफल कर लेना, ठीक है, ट्रांसफर कर लेना एक से दूसरे कवर के ऊपर। आपको बस पता होना चाहिए कि यहां से बंदा पॉप आउट करने वाला है, आपको साउंड सेंस आ गई, ठीक है, तो आपने अपना जो क्रॉस एयर है ना वहीं पर रखना है जहां से वो बंदा पॉप आउट करने वाला है, जहां से वो बंदा बाहर आने वाला है। बिकॉज क्या होगा, जैसे ही आपको साउंड सेंस आएगी कि वो बंदा कवर से बाहर आने वाला है, देन अगर आप 6 बुलेट्स भी फ्री फायर में डालोगे ना, और 3 बुलेट भी अगर सामने वाले बंदे के हेड पे कनेक्ट हो गए ना फ्री फायर वाले, देन आप उसको ईजिली नॉक कर दोगे। और अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, चाहे आपके क्लासिक हो, कॉम्पिटिटिव हो, टीडीएम हो, अगर आपने ये चीज अच्छे से इंप्लीमेंट कर दी, आप जिंदगी में कभी भी कोई भी 1v1 फाइट को नहीं हारने वाले हो। सो गाइस, ये था हमारा पार्ट 1, और अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 बनाऊं इससे भी ज्यादा अच्छा और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं समझाऊं उसके अंदर, देन इस वीडियो के ऊपर सिर्फ 3K लाइक्स एंड 600 कमेंट्स को कर दो, जैसे भी कर दो, स्पैम करना या जो भी करना है वो कर दो। जैसे ही आप लोग कर दोगे, मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और साथ साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पता है कि इस चैनल पर आती रहती है। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।